अब एक बहुत अहम मसले पे हम बात करेंगे, मसला हूँ तुम आप लोगों के लिए जो कि मेरी तरह बहुत परेशान है, प्रॉब्ली आपकी तरह परेशान है। यस हाँ, तो मेरे ख्याल है आजकल के दौर की अगर बात की, जहाँ पर इतना पोल्यूशन है, जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं कि अच्छा जी फलानी जगह का पानी हमें सूट नहीं किया जिसकी वजह से हमारे बाल गिरना शुरू हो गए। अच्छा, बाल गिरना तो एक अलग बात है, लेकिन अब इतने सारे लोग हमने देखे, स्पेशली मर्दों की अगर बात की जाए, तो वो गंजपन का शिकार होना। बट इसके क्या फैक्टर्स हैं, आज इस हवाले से भी बात करेंगे। और स्पेशली जो अक्सर, अच्छा आपके मुंह से हमेशा ये बात सुनती हूँ, मैं कराची में रहता था, जब मैं कराची से वापस आया हूँ तो मेरे बाल इस्लामाबाद आके बहुत गिरना शुरू हो गए। अच्छा, मुझे ऐसे लगा जब मैं इस्लामाबाद से कराची गया तो मुझे लगा कि जब कराची पहुंचा तो कुछ टाइम पे बाल गिरे फिर ठीक थे, और जब कराची से इस्लामाबाद आया तो फिर ज्यादा बाल गिरना शुरू हो गए। तो मुझे लगा ये कि शायद इस्लामाबाद का पानी ऐसा, जो कि हम आम फैम सुनते भी रहते हैं जी कि यहाँ का पानी ऐसा जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं, तो क्या वाकई ये फैक्टर होता है कि किसी और शहर में जाने से वहाँ के पानी से आपके बाल गिर जाएं, या कि फैक्टर्स कुछ और होते हैं, तो क्या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। हमें कॉल भी कर सकते हैं कि क्या आपके साथ ये मसला अगर है तो आपने इसके लिए क्या किया और क्या करना चाहिए। तो इस पर हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मुबशर डाहा। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, गुड टू हैव यू जी। और सब, क्या वाकई आपके पास ऐसे कोई पेशेंट आते हैं जो कहते हो कि जी इस्लामाबाद आए थे तो बाल गिरना शुरू हो गया, किसी और शहर में गए तो बाल गिरना शुरू हो गया, पानी ऐसा था? जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं जो इस तरह की कंप्लेन करते हैं, इस तरह का इशू लेके आते हैं। देखिए, जो हेयर फॉल है ना, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। अच्छा। उसमें से हम टू सम एक्सटेंट हम इसको कह सकते हैं कि जी के जो वाटर है वो उसका रोल है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ करूँ कि जो हेयर फॉल होता है मेल में या फीमेल में, उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या बनती है कि हमारे स्काल्प वाले एरिए में हमारी ब्लड सप्लाई कम्प्रोमाइज होती है। ये जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो हैवी वेटर है, चाहे वो हमारे मेल पैटर्न बाल्डनेस है, चाहे फीमेल में है, जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे जाके ब्लड सप्लाई को कम्प्रोमाइज करते हैं। ब्लड सप्लाई कम्प्रोमाइज होने की वजह से हेयर में जो न्यूट्रेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है, बाल कमजोर होता है। न्यूट्रेंट्स आम जबान में बताऊं कि खुराक की कमी हो जाती है, जो एनर्जी चाहिए होती है हेयर को ग्रो करने के लिए या जिंदा रहने के लिए, वो उसको पूरी मिलती नहीं है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। अब जो हैवी वाटर की बात जिस तरह मैडम ने की है, वो ये है कि हैवी वाटर में क्या होता है कि जो मैग्नीशियम या कैल्शियम होता है वो जाके हमारे स्काल्प में डिपॉजिट होने की वजह से, डिपॉजिट उस तरह से तो नहीं होता कि प्रॉपर मैग्नीशियम के और वो बन जाए हमारे पहाड़ बनना शुरू हो जाए, होता यूं है कि हल्का हल्का सा वो आके अब्सॉर्ब होके उसकी ब्लड सप्लाई को कम्प्रोमाइज करता है। अच्छा। जिसकी वजह से हेयर हेल्थ कम्प्रोमाइज होती है, और हेयर हेल्थ कम्प्रोमाइज होने की अगेन रीजन वही है कि वहां पे ब्लड सप्लाई कम होती है, न्यूट्रेंट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से हेयर हेल्थ कम्प्रोमाइज होती है और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। बुनियादी बात है कि ब्लड सप्लाई बेहतर हो, ब्लड सप्लाई बेहतर हो, सादी सी बात है जी, वॉक करें, आपके आपके हेयर फॉल कम हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, अच्छा खाएं, अच्छा खाएं। डॉक्टर वर्षा, थैंक यू।